हर कमरे की हालत, किचन, वॉशरूम, बेडरूम्स, डाइनिंग लाउंज, हर जगह की। मतलब इसमें कम से कम लाइटों के लिए पंखों भी तो होंगे ना, सारे पंखे एक ही बारी में चलेंगे, सारी लाइट एक ही बारी में। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं। चलो स्मेल है तो इधर ज्यादा है। क्यों है ना, सामान वामान सब छोड़ छाड़ दिया होगा। ये कुछ और है क्या सर? ओहो सुन भाई, भाईजान कोई लकड़ी नहीं है, घास नहीं है दादा, और ये तो देखिए सर भाई, ये कहीं से आने नहीं है जी, कोई सिरा नहीं है इसका जी। और सुन भाई, बहुत बड़ी निशानी है वो, देखें दीमक खड़ी हुई है जमीन पे, फर्श पे, टाइलों पे दीमक लगी हुई, पहली बार देख रहे हैं हम भाईजान, फर्स्ट टाइम। कहीं से आती ही तो नजर आए साहब भाई, चलो मान लेते हैं यार दीमक लगती है, जमीन पे लगती है, चलिए ये भी देख लिया, लेकिन आ कहां से रही है ये? इसका खड़ा हुआ देख रहे हैं आप? ये भी मैं पता रेयर ही देख रहा हूँ, यहाँ पे वहां पर भी ऐसा था, यहाँ पर भी ऐसी है, और आप ये कह रहे हैं कि इधर ही गोल दायरे में बनाई गई है ये। अच्छा मुझे बताइए कि ये लकड़ी पे नहीं लगती है? या एक कच्ची जमीन पे नहीं लगती, घास वास पे नहीं लगती, बिल्डिंगों में लग जाती है, इस पे लगती है टाइलों में, मार्बल पे? ये तो टाइलों पे तो हैरत कर रहा हूँ मैं, मसीदी में कहीं से आ तो रही हो, या उस दरवाजे से आ रही हो, खिड़की से आ रही हो, बाहर से आ रही हो, इसमें कितना हिस्सा है? क्या क्या देखेंगे यार, क्या क्या देखेंगे भाई साहब यार, ये पहले की तरह उलझते जा रहा घर, ये तो इस कमरे में सुन भाई 9 बटन है, 9 9 के 9 ऑन है, 9 2 4 6 3 4 2 6 वो पीछे आपके 3 9 4 सॉरी 10। हर कमरे का हर बटन ऑन है, छोड़ छाड़ के भागे होंगे ना भाई, नाइने तक कर गए यार, उसके बाद आए नहीं होंगे क्या? छोड़ने से पहले सब ऑन था या किया है इन्होंने, या कोई ऐसी खुशी थी कि पूरा घर रोशन था, या ऐसा खौफ था कि इस खौफ में उन्होंने सब कुछ जला दिया? इसका खौफ, खौफ इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, ये वो तस्वीर किसी आमिर साहब की तो नहीं है, हो सकता है किसी को बिठाया हो और कोशिश की हो, कोई अनाड़ी आम सा आदमी जिसे ट्राई करने की कोशिश की हो और उसके साथ। अब ये तो चीज़ें समझ आती हैं, कई जगह पे देख रही हैं लोग भाग गए, लेकिन अभी तक वो बात जो आपकी तरफ वाली है तो मैं को पता नहीं क्यों आसम नहीं हो रही है यार। मैं इसलिए बार बार वो बात कर नहीं रहा क्योंकि बात पर बंदा वो करे जो फिर पूरी भी करे भाई। यहाँ ये है कि जो उस दरख्त को मारता है
पत्थर या उसको जो तकलीफ पहुंचाता है वो दरख्त पे बदले में वही तकलीफ पहुंचाता है। कोई काटने की कोशिश करता है वो तो हम कई केसेस आए हमारे साथ, फैमिलियों तक नहीं पहुंचता है, जिनको वार्निंग दे दी, जिनको एक से ज्यादा बार समझा दिया बता दिया, उसके बावजूद जो जिद में आके ये करते हैं ना, मैं नहीं मानता कुछ भी नहीं है, उनको भुगतते हुए देखा, रिकॉर्ड किया है। कोई कोना कोई ऐसी जगह खाली में जो हरियाली से भरी हुई ना, कोई गेट से लेके पूरी जगह तक आपने खुद देखा ना, और ये एक पत्ता नहीं यार। अब मैं इसलिए ये बात दोबारा आपसे लोगों से नहीं कर रहा था कि ख्याल यही आता है कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें भी चेक करना चाहिए पत्थर मार के या काट के इसको। जगह देखी थी जहाँ जमीन पे से वो दीमक टकल रही थी, लेकिन वो एक सिरा था कि ठीक है यहाँ से आ रही है वहाँ से आ रही है, लेकिन ये कोई सिरा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतने से बीच में ऐसे लग रहा है जैसे कोई जैसे आप बताते हो कोई पंडाल बनाया जो अंदर घुसता है, दीमक का पंडाल बताओ यार। खैर है सुन भाई, वजूद ऐसा बोझल हो रहा है ना जैसे किसी ने पता नहीं कितना वजन रख दिया है जिसम के ऊपर, और आया भी कुछ नमा हुआ लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत काम कर लिया है। कमर और शायद सर्दी की वजह से नहीं लग रहा सर, हो सकता है तबीयत भारी हो रही है जी, लेकिन अंदर सर्दी नहीं है, बाहर तो खैर है बहुत, अंदर नहीं है, लेकिन आपका चेहरा भी उतर गया, इसका चेहरा भी उतर गया। हमने छतों पर काम किया है और जहाँ माइनस चल रहा था अभी लास्ट शूट पे बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, वो जंगल में जो स्टेशन पे पंपिंग स्टेशन लॉट यख था पानी की वजह से भी, और बातें बातें कुछ लेके भी नहीं देते खाने, उसी कमरे से आई है, पढ़ लो कमर, पढ़ लो भाई पढ़ लो, मुझे समझ नहीं आई बाहर से आवाज आई अंदर से आई है, अंदर से आइए इस तरफ से आइए उसी रूम से आइए। दूर से देखें बल्कि मैं तो कहता हूँ तस्बीह का दाना भी उनसे मिला दें, क्योंकि सुना है एक तस्बीह का दाना अलग होता है तो वो वहीं से टूटती है तस्बीह। कंफर्म तस्वीर है, तस्वीर है 100% तस्वीर है।